राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई ये डिलीवरी होने लग रही है आज अपने फार्म पे। आज तारीख है 12/8/2020। इसने 5 बच्चे दे दिए हैं और बाकी अभी देखो क्या रहता है। इसमें से एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, बाकी सारे ठीक हैं। मैं आपको बच्चा भी दिखा देता हूँ जो कमज़ोर है। जो सबसे उधर है वो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, बाकी ये चारों बच्चे ठीक हैं। ये आज सुबह ही होने लग रही है डिलीवरी। जो कमज़ोर वाला बच्चा है उसको ठंड पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे मैंने उसको एक दो बार पकड़ाया भी है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी और चारों तो ठीक हैं, अच्छे से दूध पी रहे हैं। अगर 1 किलो से नीचे का बच्चा होता है तो उसके मोर्टैलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा आगे तक सरवाइव नहीं कर पाता है। क्योंकि जो दूसरे हैवी बच्चे होते हैं वो उसको ना तो दूध पीने देते हैं अच्छे से, और वैसे भी वो फिर कमज़ोर ही रह जाता है लास्ट तक। और 20 दिन में, 15 दिन में, अगर ऐसे बच्चे हों तो 20 या 15 दिन में फिर उनमें से दो चार की डेथ भी हो जाती है। अभी जैसे उसको दूध तो मिल गया, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बार मिलेगा। अगर ऐसे ही 5 4 बच्चे और हो गए हैवी वाले और ये अकेला कमज़ोर रह गया तो ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा भाई। ऐसे बच्चे अगर सरवाइव भी कर लेते हैं तो आगे जाके भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो बच्चा 6 महीने में 100 किलो का होना है वो फिर ऐसा, अगर थोड़ा कमज़ोर बच्चा हो तो वो 7 महीने भी लगा देता है। ये फीमेल का वेट है जी तकरीबन 130 से 135 किलो के ऊपर ही ऊपर है, कम नहीं कह सकते इसका। लेकिन फिर भी आइडिया इतना ही है क्योंकि वेट किया नहीं है। कर लेते तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते। हाँ, इन बच्चों का थोड़ी देर में मैं करूँगा, जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें इन बच्चों का भी वेट करके दिखाऊँगा कि सबसे हैवी वाला कितने का है और जो सबसे कमज़ोर है वो कितने का है। मेरे हिसाब से ये जो कमज़ोर वाला बच्चा है लगभग 700 से 800 ग्राम के करीब का होगा। बाकी और भाई जो कांडा करेंगे उस पे पता चलेगा कि कितने का है कितने का नहीं है। बच्चे चाहे 12 की जगह 10 दे दे फीमेल, लेकिन क्या है कि अगर अच्छे हेल्दी दे देती है तो उसको हमें पालने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती फिर। और अगर बच्चे भी ज़्यादा देती है और सारे हेल्दी हैं तो उस पर की तो मौज ही नहीं है, मतलब फार्मर कोई। ये देखो भाई साहब, इस बच्चे के फेस पे ये लगी हुई है। अगर कोई आदमी यहाँ पे नहीं होता या फिर डिलीवरी ऐसे ही हो रही है तो ये बच्चा बचना नहीं था जी।
ये जो थोड़ा बहुत टुकड़ा लग के आ जाता है या कई बार जेर में भी लिपट के आ जाता है बच्चा, तो जब भी डिलीवरी होती है हमें डिलीवरी के पास होना चाहिए। हाँ ये तो है नहीं कि भाई एग्जैक्ट टाइम होता है डिलीवरी का, इसी टाइम होगी, नहीं। हमें एक तो डेट पता होनी चाहिए कि हमारी फीमेल कब डिलीवरी देगी, और दूसरा फिर हालात से ही पता लग जाता है, थनों में दूध उतार लेना, पीछे से स्वेलिंग आ जाना, ढीला हो जाना थोड़ा सा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें डिलीवरी के पास, मतलब जो फीमेल है उसके पास रहना चाहिए ताकि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना आए।